मुलाना के रीति रिवाजों के बारे में लोगों ने कई धारणाएं बना रखी हैं, लेकिन इनके पीछे का सच क्या है वो आपको गांववासी ही बता सकते हैं। ये हमारा जैसे बुजुर्गों के परंपरा हमारा को सिखाया कि बुजुर्गों ने कि ये छुआछूत जैसे अटैच नहीं होना है, ये वो अगर अटैच भी होते हैं तो हम बाहर हो गए तो इसमें हाथ धोना पड़ेगा। अभी वैसे तो हमारे बच्चे यहाँ के यहाँ पढ़ रहे हैं ना जैसे बच्चे, और अगर टूरिस्ट के साथ बैठेगा तो तभी लगेगा ना, हम टूरिस्ट के साथ बैठते नहीं है ना, वो दिक्कत है ना, हम खाते नहीं है यहाँ पे जो कैफ़े लगे हैं ना जितने भी, हम अपना गांव में घर के खाना के सिवाय किसी मतलब कि कैफ़े में नहीं खा सकते, कैफ़े में अलाउड ही नहीं है हमारा, तभी बाहर के बंदे मतलब कि कुकिंग करेगा भी वो भी देगा उसको, चाहे लीज पे दिया हो चाहे क्या नाम हो, बाहर के बंदे सर्विस भी करेगा वो खाना वो लोग ही खा, हम लोग चाय तक नहीं पानी तक नहीं पी सकते कि वहाँ पे अपना भी कैफ़े होगा तो उस कैफ़े में हम खा नहीं सकते, ये हमारा को अलाउ नहीं, घर का ही खाना खाना पड़ता है हमारा सब, चाय भी पीना हो तो घर में ही जाना पड़ता है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि बाहर के लोग ही नहीं बल्कि मलाना के मंदिरों में मलाना वासियों तक को जाने की इजाज़त नहीं है, पुजारियों के अलावा कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिनको मंदिर के अंदर जाने की आज्ञा है। हम जो मंदिर है जो आप बोल रहे हैं कि हम टच नहीं कर सकते, वो मंदिर है हम भी नहीं टच कर सकते, जैसे ये रूल है हमारे लिए भी है, वो आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए, हम भी नहीं जा सकते उन मंदिरों में। ये हमारा सर्दी में होता है, मार्च टाइम में होता है, तो इसके लिए हम एक महीने के जो होते हैं हम लोग तपस्या में बैठे होते हैं जैसे सारे, तो उस टाइम में ये मंदिर में पूजा हो जाते हैं, जैसे पुजारी कर सकते हैं, मेन पुजारी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, जो कारदार पुजारी ये दो है कि मैं एक पांच और है मेंबर जो कि पांच नहीं दस, आप पांच होते हैं ना उसके एक जूनियर होते हैं एक सीनियर होगा तो दस होते हो, जैसे वो लोग करेंगे सर्दी का, जैसे सारा गांव वाले यहीं उसी टाइम कहीं नहीं जा सकते हम लोग। मैन जम्मू ऋषि का यही है गांव, परशुराम के पिताजी है, जितने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे मेन स्थान है जो जमदन की ऋषि बोलते हैं, जम्मू ऋषि रेणुका माँ का मंदिर है, एक जम्मू ऋषि के वाइफ है ना रेणुका माँ। मलाना के मंदिर और बाकी पवित्र स्थान ही हैं जिनकी वजह से यहाँ के कुछ लोग टूरिज्म को लेकर थोड़ा ऐतराज करते हैं। मलाना गांव में पांच वार्ड है, पांच वार्ड जैसे पांच सरपंच होते हैं ना जैसे कि, तो वो पांच जगह का है जैसे हर जगह में स्थान में देवता है, तो इस वजह से गेस्ट हाउस थे ये टॉप में जहाँ पे देखा हो ना आपने, तो यहाँ से जो टूरिस्ट आते थे वो गंदगी जैसे जूठ जो छुआछूत बोल रहे हैं ना कि हम, वो आ जाते थे हमारे देवता के स्थानों पर उड़ के जैसा हवा से लाए चाहे कोई भी, तो ये गंदगी आ जाता था, उस वजह से हमने गाँव में बंद किया। जो गांव के जो मेन चार एरिया है चारों देखो कोने लगे हैं, और कोने के बाहर कर सकते हैं आप कुछ भी, जैसे कि कैंपिंग लगाओ कुछ भी करो, जैसे आगे भी है कैंपिंग है बड़ा भारी देखा हो ना आपने, टूरिज्म इलाके बने हुए हैं, और ये गांव में अंदर अलाउ नहीं करना चाहते कि हम लोग कि ये जो छुआछूत से मतलब कि हम दूर ही रहे इस चीज़ के। ये सर्दी के लिए हमारा नहीं, ये सर्दी के लिए ये ओल्ड हमारा रास्ता है, जो ये रोड तो अभी बना है, हम पुराने टाइम में यहीं से चलते थे नीचे, अभी भी सर्दी आ जाएगा ये रास्ता बंद हो जाएगा तो ये रेगुलर ही चलता है। लॉकडाउन के दिनों में जब सारा देश बंद पड़ा था तो मलाना जो एक छोटा सा गांव है इसका सर्वाइवल कैसे हुआ होगा? वैसे तो हम लोगों ने मतलब बाहर के आना जाना बंद किया था, जो गांव के है वो ही रह सकते हैं, बाकी जो बाहर से कोई भी नहीं आ सकता,
और एक की सरकारी थाना था, मतलब कि नीचे वहाँ से देखो नीचे ऊपर से अलाउ नहीं करते थे बिन। एक हमने खुद के देव कमेटी के जो जैसे गांव वालों के हिसाब से हमने खुद बंदे रखे जैसे कि चौकीदारी करने कि कोई भी बंदा ऊपर नहीं आएगा, हमारे गांव में एंटर नहीं करेगा भाई। कि इस चीज़ से जो जितने हम गांव के बंदे और जमलू ऋषि के ऊपर बैठे थे कि हमारा को क्या नाम, इसके कृपा से हमारे को कोई कोरोना नहीं आएगा। मलाना की डॉक्यूमेंट्री पर काम करते वक्त हमारी टीम के दिमाग में सबसे ज़्यादा एक ही सवाल घूम रहा था कि जहाँ इतने स्ट्रिक्ट रूल हों तो वहाँ गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन को लेकर कितनी दिक्कतें आई होंगी। स्टार्टिंग में हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे को टीकाकरण लगाने की ज़रूरत है, हम गांव के हैं तो हमारे ये जो ऋषि है जमलू ऋषि वो हमारा रक्षा करेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे बोला हमारे को सरकार समझाया, फिर ये वो इससे कुछ नहीं होते, चाहे बीमार में लगाओ, ये एक अंदर का जो वायरस है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे बुखार तो हमारे को नॉर्मली जैसे पहाड़ों में रहता है हमारे को नॉर्मली होता है, तो ये लगाया हमने स्टार्ट तो हम लोगों ने किया। फिर सरकारी हम भी दफ्तरों में जाने वाले, फिर हमने स्टार्टिंग किया भाई। फिर गाँव वालों ने भी धीरे धीरे देख लिया कि बंदे को कुछ नहीं होता तो ये लगा दिया है, इस वजह से लगा दिया है कि कुछ नहीं हो रहा है इससे। आज तक मलाना गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। मलाना की भांग पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ ना सिर्फ भारत से बल्कि दूसरे देशों से भी लोग अक्सर भांग और मलाना की रहस्यों से भरी खूबसूरती को देखने आते हैं। भारत में भांग को लीगलाइज करने का मुद्दा क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है इसके लाखों कारण आपको मिल जाएंगे, पर क्या इसका लीगल होना मलाना की तरक्की के लिए सही साबित होगा? आइए जानते हैं भांग पर क्या है मलाना वासियों की राय। सरकार से तो ये अपील है हमारा, अगर भांग लीगल होता है तो बड़ा बढ़िया है हमारे को, तो ये हमारा रोजी रोटी इसमें सब कुछ बन जाता है हमारा। अगर सरकार एक लीगल कर देते हैं तो किसी भी तरीके से, अगर जैसे किसी भी तरीके से अगर लीगल करते हैं सरकार तो हमारे को बड़ा बढ़िया है। इसमें क्या हमारे को फायदे है कि हमारा रोजी रोटी चलेगा। बाकी यहाँ पे जो फसल उगाते हैं हम लोग, अब जो गेहूँ उगाए हमने आजकल जो है वो गेहूँ अब यहाँ पे अभी अगले महीने वो कटने को तैयार है। अब गेहूँ नीचे जो भी अगर मलाना से छोड़ के नीचे गेहूँ जहाँ भी फसल उगाते हैं वो कब का तैयार हो गए। अब नीचे के जो हम जो गेहूँ बीजते हैं वो सारे जो भी फसल बीजते हैं नीचे से पंछी सारे आके वो सारे खा जाते हैं, वो हमारा फसल के गेहूँ भी नहीं ढंग से उगते हैं। तो फसल तो हम सारे डालते हैं, गेहूँ हो गया, ये हो गए, आलू हो गए, पर वो ढंग के वो फसल तो होता नहीं है। उतने के 5-6 महीने में क्या ही होगा यहाँ पे। बस ये क्या अब अगर भांग होता है लीगल, सरकार भांग को लीगल देते हैं तो हमारे को यहाँ के लिए रोजी रोटी इसमें बन जाता है हमारा। अगर किसी भी तरीके से सरकार ये इसको वो करते हैं कि लीगल करने के वो करते हैं तो होते हैं भांग के जो अगर वो सूख जाते हैं उससे जो निकलते हैं उसमें जो रस्से जैसे निकलते हैं उनसे रस्सियाँ बनते हैं, उनसे कुछ भी बन सकते हैं, जैकेट बैग बुक जो भी कुछ भी बना सकते हैं उससे। तो इनमें है तो इसमें बहुत सारे सब फायदे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि भांग पे वो है कि पीना ही है। उसमें भांग जो है ये भी कई तरीके से जैसे मेडिसिन के तौर पे भी कई उसमें यूज किया जाता है ऐसे वो है। तो सरकार अगर वो करते थे सरकार तो बड़ा बढ़िया था।